गाइज, इस वीडियो के अंदर आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ पारस ऑफिशियल के बारे में कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, पारस ऑफिशियल इस बीच में गिरफ्तार हो गए हैं। चाइनीज बताए थे एमएलए को, जो कि बहुत गलत है। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए को उन्होंने चाइनीज बताया था, लेकिन ऐसा नहीं बताना चाहिए किसी मिनिस्टर को, चाइनीज नहीं बोलना चाहिए था। ये उनका गलती था, इसके कारण से उनको जेल हो गया है। सो गाइज, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे बात पर आप लोग को भरोसा है, मेरे बात से आप लोग कुछ समझते होंगे, तो सो गाइज मैं बता दूँ, पारस ऑफिशियल को माफ़ कर देना चाहिए। गलती इंसान से ही होती है गाइज, एक चांस तो आपको मिलना ही चाहिए, पारस ऑफिशियल को देना ही चाहिए एक चांस देना ही चाहिए गाइज। उसकी मम्मी बहुत रो रही थी। आप लोगों ने यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल अभी भी हो रहा है, आपके भी यूट्यूब पर आया होगा, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही है। पारस ऑफिशियल को जेल से बाहर, यार जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा गलती कर दिया, इसका इतना बड़ा मत सजा दीजिए। और बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं कि 3-4 साल जेल हो सकता है, ऐसा ऐसा। लेकिन गाइस, 3-4 साल कितना ज़्यादा होता है आप लोग समझ सकते हैं। 1200 डेज प्लस इतना दिन वो जेल में रहेंगे, तो कैसा उसकी मम्मी का हालत होगा, आप लोग भी समझ सकते हैं। एक चांस तो मिलना चाहिए। सो गाइज, एक चांस आप भी, आपका भी दिल कहता होगा कि एक चांस पारस ऑफिशियल को मिलना चाहिए। मेरा भी दिल कहता है कि एक चांस मिलना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया उन्होंने, जानबूझ कर, लेकिन ये गलती नहीं है, मिस्टेक से उन्होंने बोल दिया। सो गाइज, पारस ऑफिशियल को एक चांस मिलना चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो से सहमत है, मेरी बातों से सहमत है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। सो बाय।